एकदम मजा आएगा। अरे तादरे आप लगा हाई टाइप करे एक नंबर। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज जा रहे हैं अमृत धारा, यही भैया थान से आगे से शायद राइट लेना है। हम लोग यहाँ से बैकुंठपुर के थोड़े बाजू से होते हुए रास्ते से जाएंगे, आपको अपडेट देते हैं। बस मेरा दोस्त गाड़ी निकाल रहा है, फिर चलते हैं। बाइक में जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 70 किलोमीटर है। चलो बताता हूँ। रोड थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, हम लोग ऑलमोस्ट अभी 15 किलोमीटर आगे होंगे। पटना से हम लोग को नेशनल हाईवे पकड़ना है आगे जाके। यहाँ पे एक ट्रक ख़राब हुआ है शायद, आगे थोड़ा अच्छा दिखा रहे हैं। पटना बिहार वाला नहीं, छत्तीसगढ़ वाला है। रोड के हिसाब से सीमा प्रारंभ कोरिया जिला, बैकुंठपुर, महेंद्रपुर, कटनी, कटनी उधर सरडोल अपन। हाईवे पहुंच चुके हैं हम लोग, नेशनल हाईवे 43 है। यहाँ से थोड़ा अच्छा रास्ता मिला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पहाड़ खोदने लग रहे हैं। अरे बाप रे, रोड ही कहाँ है, रोड कहाँ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरा खत्म है रोड। थोड़ा चाय ब्रेक लिए हैं, मास्क वास्क नहीं निकाले हैं अभी। मेरे पीछे इधर हाईवे से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ से सीधा ही जाना है, यहाँ पे क्रॉसिंग है। पान ठेला टाइप का कुछ था, चाय वगैरह अपडेट देते हैं। 40 मिनट बचा है पहुँचने के लिए। ऊपर नीचे हो रहा है हमारा स्पीड। हाईवे थोड़ा ठीक है ना, 43 में है हम लोग। पहुंच गए, यहाँ से राइट लेना है अमृत धारा के लिए, हसदेव बांगो नदी पे। यहाँ शायद बोट टंगा है, स्वागत है आपका ऐसे करके, पर लिखा नहीं है। शायद छोटा रोड चालू हो रहा है। अरे हम लोग पहुंच गए आगे, अमृत धारा में आपका स्वागत है। हाँ शायद पार्किंग का पैसा लेगा, इधर क्यों जा रहे हैं लोग। हम लोग फाइनली पहुंच गए, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, थोड़ा जैकेट उतार लिया। अब तो धूप निकल गया है, सुबह निकलाते हैं, चाय वाय पीते हैं थोड़ा, उसके बाद चलते झरना की ओर, ज़रूरी है चाय वाय पीना। हाँ पार्किंग का ही था ना, चाय पानी हो गया, जा रहे हैं हम लोग आगे, सब पैदल जा रहे हैं। वहाँ बाजू से है रास्ता, ऊपर से भी है शायद, नीचे से भी है, अब दोनों तरफ से देखते हैं जहाँ से बने। ऊपर एक आध सेल्फी लेके नीचे चले जाएंगे, उधर पहले चलते, वहाँ से उधर फोटो खिंचा रहे हैं लड़की लोग। प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक जोन है, जुर्माना होगा ऐसा लिखा है वहाँ। यहाँ से चलते, रोड बना है यहाँ से, चलो आपको दिखाते हैं नज़ारा। भी पानी है, मैं भी शायद यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, शायद नहीं मतलब आ ही रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मन था बहुत आने का, अरे यार कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मोबाइल है, गरीब आदमी। धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे वीडियो बनाना भी सीखा। हाइट उतना पानी नहीं है मिंटू पर, ठीक है, अच्छा है। किनारे पे जाना मना है लिखा है, रेलिंग लगा है शायद, तो वहाँ से चले ही जाएंगे। कोशिश करते हैं नीचे भी जाएंगे, मालूम उबड़ खबड़ रास्ता है यहाँ पे। प्रधान रहे यहाँ, नागपुर वही वाला नागपुर है जी, नागपुर बड़ा जगह है, नागपुर लिखा ना वही वाला है। ओहो चश्मा निकाल, कोई मतलब नहीं है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। उधर तो गए हैं सब नीचे में, वहाँ से देखिए वाटरफॉल है, पानी जबरदस्त है। दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है, वादियों के बीच में है। यहाँ पे सेल्फी वेल्फी ले लिए, कोशिश कर रहे हैं यहाँ से नीचे जाने का। रास्ता तो ऐसे प्रॉपर नहीं पता, बाकी लोग लग रहा है नीचे, यहाँ लोग जा रहे हैं नीचे, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से नीचे जाए। नीचे से जो नज़ारा आएगा ना वो अलग ही रहेगा। जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे सीढ़ी है ऐसा लग रहा है, वो रहा वाटरफॉल, आगे जहाँ से सीढ़ी है ऐसा लग रहा है। गए तो हैं बहुत लोग, बाबा पूछते हैं नीचे जाने के लिए, सीढ़ी खोज रहे हैं हम लोग, शायद होगा कुछ ना कुछ तो होगा। गए हैं बहुत लोग, काफी लोग है, कहाँ सीढ़ी है ऐसा मेरे दिखा जी दूर से। यहाँ से सीढ़ी से नीचे जाते हैं, बाबा बताया आगे से है करके, नीचे जाए भी ना तो मज़ा ही नहीं है ना कुछ, काफ़ी सुरंग जैसा रास्ता है। अबे डर गया था मैं, टाइम डर लग गया था भाई, अचानक भाग ले आए, नहीं शेरनी थे दो जन। अभी धूप खिला है थोड़ा, अच्छा लग रहा है, बाकी वापसी में चढ़ना भी है, वही तो थक जाएंगे हम लोग, तो हालत ख़राब हो जाएगा। साला 4 दिन हो गया कहीं कहीं जा ही रहे हैं जंगल में, यहाँ पूरा यहाँ शायद बरसात में पानी भरता होगा। झरना के पास जाते हुए वहाँ से दिख रहा है हल्का हल्का वाटरफॉल, चलो आपको पास जाके दिखाते हैं। और झरना लाइट है वहाँ पे छोटा सा, चल वहीं पे फोटो खिंचाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। कई खतरा देखना भाई, हल्का हल्का जाना पड़ेगा, यहाँ का लोग खाना वाना लाए, एक नंबर शानदार नज़ारा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब लग रहा है आर टाइप का, जाएंगे भाई इधर से जाएंगे वहाँ, चलो मतलब जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे, पर जाएंगे पार करके जाएंगे इसको, इस पत्थर में आ जाए, इधर जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे,
लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत लोग नहा रहे हैं। रास्ता तय कर चुके हैं, हालत खराब हो गया। कहाँ कहाँ से चढ़ उतर के आए हैं हम लोग, और वो रहा वाटरफॉल, हल्का सा और है, चलो आपको दिखाते हैं। एक नंबर नज़ारा है, मज़ा आ गया। देख सकते हैं वाटरफॉल, मेरे थोड़ा जूता गीला करके जाना पड़ेगा आगे। हाँ, जूता निकालता हूँ। आप आगे और जाने की कोशिश करेंगे, जो नहाने वाले लोग गए थे, आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। साइड साइड से जा रहे हैं, धारा ज़्यादा है, जींस मोड़ना पड़ेगा, एकदम मज़ा आएगा। अरे तादरे, अब लगा आए टाइप करे, एक नंबर। ओहो, पूरा जन्नत है, एक नंबर। देख डाले वाटरफॉल, बस जूता उतर उतारे हैं, फिर यहाँ से फिर वही सेम कहानी है, ले दे के जाना है पार करके। निकलते हुए बैग टांग लिए हैं, रास्ता थोड़ा आए माए है, मुश्किल है, कूद उठ के जाना पड़ता है, तो वीडियो बनाना मुश्किल है। बैग टांग लिए, जूता पहन लिए, जूता में थोड़ा रेती रेती लग रहा है क्योंकि आगे रेती था इधर, तो यहाँ से चलते हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर। लोग यहाँ कर लिए लाइट झरना, ये सीढ़ी की ओर जाते हुए यहाँ से वापस जाएंगे। चलो, काफ़ी अजीब रास्ता है, रेती वेती है, गंगल वंगल के बीच में। सीढ़ी कहाँ है भाई, इधर से क्या सीढ़ी? खाना ना बना के फालतू यहाँ कचरा फैलाए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आए हो तो ले जाओ कचरा, वहाँ से सीढ़ी है, चलो चढ़ते हैं, तो आपको मिलते हैं। यहाँ से शायद हम लोग और कहीं जाएंगे। तो चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू देखने के लिए, बाय।